कागज़ की कश्ती, बड़ा ही काफ़ी नाम है। और कैसे जहन में आया बायोपिक बनाने की अगर बात करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग के बारे में और फिर फिल्म के बारे में कागज़ की कश्ती? जी, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट ने आज ये स्पेशल फिल्म कागज़ की कश्ती प्रेजेंट करनी है जगजीत सिंह की लाइफ के ऊपर। वो बहुत बड़े लेजेंड थे और लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के साथ उन्होंने करीब से काम किया था और हमेशा हमें अप्रिशिएट करते थे। तो ये मौके पे हमने सोचा कि पहले हमें उनका स्क्रीनिंग करना चाहिए फिल्म का, और सभी ऑडियंस को जो उनकी गोल्डन मेमोरीज है उनको फिर से अवेकन करके, उनके जो म्यूज़िक में, उनके जो रिदम में, उनके जो वर्ड्स में और लिरिक्स में जो जान थी, वो जान को जागृत करनी है। और दूसरा तो ये था कि हमारा जो एनजीओ है वो बच्चे लोग के साथ काम करता है, और ये कागज़ की कश्ती में उन्होंने बताया है कि चाइल्डहुड के मेमोरीज़ जो होते हैं वो कैसे प्यारे और कितने सूक्ष्म होते हैं, प्योर होते हैं। और जो बच्चे हमारे भी हैं लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के, करीबन 1,900 बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं सभी विलेजेस में इंडिया के। और हमारा एक ही मिशन है कि ये सब बच्चों को जागृति दे, उनको एजुकेशन दे, उनको एम्पावर करें, और फिर उनको अच्छा सा एक जॉब मिले, जैसे कि पॉवर्टी सर्कल से वो लोग ब्रेक करें ये जो बाधा में फंसे हैं वो, और आगे जाकर कुछ बने। तो आज इतने सारे सक्सेस स्टोरीज बन गए हैं और इतने बच्चे आज बहुत खूब कमा रहे हैं। जैसे कि माँ बाप अभी 1 या 2 हज़ार कमा रहे हैं महीने का, तो बच्चे लोग आज मोर देन 12,000 उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो ये बच्चे जो हैं अभी वो फर्स्ट जनरेशन है ऑफ एजुकेटेड यूथ, और ये लोग परिवर्तन ज़रूर लाएंगे सभी विलेजेस में। और मेरा ये सपना है, एक ड्रीम है कि हमारे भारत में गरीबी का नाम नहीं होना चाहिए। और अभी बिल्कुल क्लियर बन गया है कि गरीबी सिर्फ एजुकेशन और एजुकेशन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों को जो हम साथ जोड़े और आगे ले जाए तो भारत की प्रगति ही प्रगति। और जगजीत सिंह के हृदय में ये एक बहुत कर्म, जैसे कि करिया दृढ़ निश्चय था उसका भी कि कुछ आगे बच्चों लोग को के लिए करें और गरीब गांवों में ये काम करें। वैसे जी सर, आप क्या कहेंगे स्क्रीनिंग को लेके और इस फिल्म को लेके और बायोपिक को लेके, खास करके क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हम यही कहना चाहेंगे जैसे मैडम ने कहा अभी कि यही एक माध्यम है, ये मीडियम है जो आजकल सिनेमा का और म्यूज़िक का, जो आदमी का हर दिल के अंदर पहुंचता है। उसमें ना भेद ना भाव, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी कम्युनिटी का हो, अल्टीमेटली म्यूज़िक इज़ अ कॉमन लैंग्वेज। और ये जैसे हमारे जो बच्चे हैं, जो आज हमारे स्कूल्स में, हमारे एनजीओ में 3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, आज उन 3,000 बच्चों के पास हम ये दोबारा फिल्म ले जाएंगे, दोबारा उनको म्यूज़िक सिखाएंगे और उनको हम ये आगे पढ़ा के एक एम्पावर करके उनको जॉब दिलाएंगे। ये हमारा मोटो है और हम 100% कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स के अंदर हम इस देश में बहुत एक डेंट मारेंगे कि भाई हमने भी कुछ किया इस हिंदुस्तान के लिए। थैंक यू। अब मैम, ट्रेनिंग पे आप आए हैं और खास करके जगजीत जी की बायोपिक बन रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर?
लाइट ऑफ लाइट ट्रस्ट की जो ये मुहिम है कागज़ की कश्ती, जगदीत सिंह की जो इन्होंने एक बनाई है उनकी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज इसका एक हिस्सा हूँ। और जगजीत सिंह की आवाज़ तो घर घर में गई, और जो कागज़ की कश्ती ये साफ दिखाती है कि कागज़ की कश्ती भी अपने मंजिल तक पहुँच सकती है। उसी तरह लाइट ऑफ लाइट ट्रस्ट भी बच्चों को गाँव में जिस तरह एम्पावर कर रहा है, एजुकेशन दे रहा है, इनका जो मोटो है एडुकेट एम्पावर इक्विप, तो ये जो बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे उनको अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं उसकी तारीफ़ करने के चाहती हूँ मैं, और आज मैं इसका हिस्सा हूँ, बहुत खुशी की बात है। जगजीत सिंह की याद, शायद उनकी आवाज़ जो विश्व में भी गूंजी, जिस तरह वो आवाज़ से पूरे विश्व में जाने गए, मैं सोचती हूँ कि जो एजुकेशन दिया जा रहा है इन बच्चों को, वही एजुकेशन इन बच्चों को पूरे विश्व में आगे ले जाएगा। मैं उसके लिए सबको बधाई देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये काम सिर्फ कुछ चंद लोग ना करें, पूरा हिंदुस्तान मिलके करे, क्योंकि एजुकेशन ही जो है वो आज जो अंधेरी रात है उसको ख़त्म कर सकता है। एजुकेशन है जो ये इस वक्त कम्युनल डिसहार्मनी है, जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है उसको ख़त्म कर सकता है, और एजुकेशन ही सब अमीर गरीब को एक कर सकता है। अगर कोई गरीब सपना देख रहा है तो सपना सिर्फ एजुकेशन ही पूरा कर सकता है, और मुझे खुशी है कि ये काम लाइट ऑफ लाइट ट्रस्ट कर रहा है। जी जी मैम, अभी आप बात कर रहे थे बाहर, तो आपने किसी को ये कहा कि गवर्नमेंट के हम वेटर हैं, केवल जो गवर्नमेंट मतलब बनाती है हम केवल सर्व करते हैं, क्या कुछ इसके पीछे बहुत कुछ दर्द छुपा हुआ है, क्या कहना, उद्देश्य क्या था उसका? नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि सरकार चीज़ें करती है लेकिन उसको आप सही ढंग से किया नहीं जाता। आज एनजीओ क्यों आगे आए हैं, क्योंकि सरकार अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती, शायद करप्शन है, चाहे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, तो इसलिए जो है एनजीओस को आगे आना पड़ा है। और अगर एनजीओ इस तरह से काम करेंगे, और जनरली क्योंकि आपको फंड्स चाहिए, FCRA जिस तरह कैंसिल हो रहे हैं, या ग्रांट्स नहीं मिलती, अच्छा काम लोग करना चाहते हैं लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता, तो इसलिए मेरा कहना था कि जो लोग अच्छा काम करना चाह रहे हैं उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन दिए जाए, उनको सहायता दी जाए, और इसीलिए मैं जो है ये कह रही थी कि हम लोग सरकार जो करती है उसी को पालन करना पड़ता है। बहुत हिम्मत की बात है कि अगर आप उस लीक से हटकर कुछ करते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, ये बायोपिक जगजीत जी का ही क्यों चुना गया? बहुत सारे ऐसे लीजेंडरी हैं जिनके जिनके पीछे समाज को कुछ उन्होंने दिया है, लता जी हो गई, रफील जी हो गए, बहुत सारे ऐसे लीजेंडरी सिंगर थे या एक्टर थे जो समाज को बहुत कुछ दिया उन्होंने, उनका बायोपिक क्यों नहीं, जगजीत जी का क्यों? हमें ये बायोपिक एक तरह से दिल में बैठा, क्योंकि जगजीत सिंह के साथ हमारे जो संबंध थे पहले से, और उनका भी जो विजन था कि गांव के और हिंदुस्तान के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें हम, और ये बहुत सारे डिस्कशंस हमने उनके साथ किए थे, और वो चाहते थे कि वो ग्लोबल कॉन्सर्ट्स करें ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, टू यूनाइट द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, वो उनका भी ड्रीम था एक, और एडुकेट द चिल्ड्रन इन आर कंट्री। तो इसलिए जो ये संबंध एक था वो बहुत ही गहरा संबंध था, और वन वेवलेंथ पे जैसे हम काम कर रहे थे वो टाइम, और जगजीत सिंह जी ने वन ऑफ द लास्ट कॉन्सर्ट्स हमारे साथ किया, वो एक याद अभी तक ताज़ी है। तो हमने सोचा कि हमें पहले ये डेफिनेट अपॉर्चुनिटी लेकर सबको ये उनकी आवाज़ को फिर से उठाना चाहिए। भविष्य में और किसी के ऊपर होगा ही, कौन होगा वो? लता जी का सोच रहे हैं ना, कुछ काम आगे बढ़ा है, लता जी की हमें मिली है, लता जी तैयार? लता जी को मिले हैं, पर अभी तक डिस्कशंस स्टेज पे है। हाँ या धीरे धीरे हाँ या ना नहीं कहा। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।